पेड़ को काटकर बेचने से पर्यावरण संबंधी समस्या का समाधान हो गया है और खेत में पराली ना जलाए जाने से भूमि में उपजाऊ शक्ति भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि पहले धान की कटाई के बाद पराली जलाने से वायु प्रदूषण होता था, साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी कम होती थी। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए करनाल के किसान पराली को ईंधन ब्लॉक का रूप देकर चीनी और पेपर मिलों में सप्लाई कर रहे हैं, साथ ही खुली पराली भी मार्केट में बेच रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में खुली पराली 1200 रुपए प्रति टन जबकि ईंधन ब्लॉक 1800 रुपए टन बिक रहा है। धान की कटाई के बाद एक एकड़ से करीब 2 टन पराली निकलती है, जिससे एक्सीटू उपकरणों की मदद से ईंधन नुमा ब्लॉक तैयार होते हैं। हरियाणा का कृषि विभाग भी इस काम में किसानों की पूरी तरह से मदद कर रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक आदित्य डबास ने कहा कि किसान समूह बनाकर पराली प्रबंधन कर सकते हैं और इसे कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक मशीनों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर इसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। करनाल के कई इलाकों के किसान पराली जलाने की जगह उसे बेचकर कमाई कर रहे हैं। किसान गुरदीप और कुलविंदर सिंह भी उसमें शामिल हैं। ये लोग प्राइवेट एजेंसी के उपकरणों के माध्यम से अपने खेतों में ही पराली के ईंधन ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि एजेंसी के माध्यम से विभिन्न चीनी व पेपर मिलों में ईंधन ब्लॉक की सप्लाई होती है। कुलविंदर सिंह ने बताया कि पहले पराली को खेतों में ही नहीं जला दिया जाता था, जिससे भारी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता था जो पर्यावरण को प्रदूषित करता था। यही नहीं, इससे जमीन की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ता था। अब पराली को काटकर बेचने से पर्यावरण संबंधी समस्या का समाधान हो गया है और खेत में पराली ना जलाए जाने से भूमि में उपजाऊ शक्ति भी बढ़ रही है, साथ ही पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ कि जो पराली उनके लिए कभी सर दर्द थी, आज कमाई का जरिया बन गई है। गुरदीप सिंह ने कहा कि जब उन्हें जमीन में नुकसान होने की समझ आई तो तुरंत जलाना बंद कर दिया। आज हम पराली को चारे में काटने के साथ या तो ब्लॉक बनाकर एजेंसी को बेच देते हैं अथवा कटर से कटाई करके उल्टा जमीन में बिछा देते हैं, जो गलने के बाद खाद का काम करती है। लगांदे सी मतलब ओहदे विच सी सानू मतलब बुरी लगदी सी भई आपां डबल जीरी लगा रहे हां ए जमीन साडी है जी खर्चा सी उस टाइम सानू माड़ी लगदी सी अज ओहदे रिजल्ट देखे ने बंद होई है जीरी लगानी एक फसल लै रहे हां अज ओह सानू वधिया लग रही है। पानी थल्ले भी कितना पानी पानी वाटर लेवल जेहड़ा थल्ले चला गया जी हां जी और वाटर लेवल नीचे चला गया और ओहदे विच मतलब जिस तरह हुण एक जीरी लगाई दी है जिन्नी असीं दो जीरियां च पैदावारी लैंदे सां ओनी असीं एक च लै रहे हां हुण क्योंकि ओहदे खर्चे ज्यादा सीगे गवर्नमेंट जी हम कह रही है पराली ना जलाओ भी साढ़े फायदे वास्ते कह रही है सर। मैं कुलविंदर सिंह गांव संघोई जिला करनाल से और ऐसा है पराली जलाने के नुकसान ही हैं पराली ना जलाएं उसका बहुत फ़ायदे हैं भाई। फ़ायदा ये है कि नंबर एक तो इसमें मतलब जैसे यूरिया नाइट्रोजन फास्फोरस हमें मतलब ये मिलती है पराली से या इसको बीच में गलाएं और सभी किसान भाइयों से मैं तो यही कहूँगा कि इसको पराली को बीच में गलाएं जलाएं ना। और ये जैसे आजकल गवर्नमेंट जो है सब्सिडी पे सभी चीज़ें दे रही है ठीक है, मेरे पास भी है मैंने लिए अभी 2 साल से मैं पराली को नहीं जला रहा और मेरी ज़मीन की जो है एकदम से तस्वीर ही बदल गई है सर और बहुत मतलब ठीक है सिस्टम ये नहीं जलानी चाहिए पराली से। सर पराली का तो यही है कि जैसे अब पहले मल्च SMS मेरे पास हार्वेस्टर भी हैं SMS से काट रहे हैं हम SMS लगे हुए हैं हार्वेस्टर पे उसके बाद फिर हम ये मल्चर चलाते हैं मल्चर के बाद फिर रिवर्सिबल प्लो करते हैं प्लो करने के बाद ऊपर रोटावेटर करते हैं तो पराली नीचे पानी लगाओ उसमें वो पराली नीचे गल जाती है सारी उसमें पैदावार ही ऑटोमेटिक बढ़ेगी आपकी। तो क्या कहना चाहेंगे उन किसान मैं तो सभी किसान भाइयों को यही कहूँगा कि इसमें या तो आप जिस भाई के पास नहीं है ये स्कीम सिस्टम नहीं है कृषि यंत्र वगैरह ये नहीं है तो वो गांठे बनाने वाली मशीनें आई हुई हैं
वो अपना गांठे बनवा लें, मतलब जलाए ना, तो वायु में भी कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलता है। हाँ जी, वो तो है ही है जी, पोल्यूशन है, उसमें फिर सब कुछ है, बीमारियाँ भी फैलेंगी, सब कुछ होगा जी, हमारे लिए भी हानिकारक ही है ये सिस्टम। क्या नाम है सर? मैं कुलविंदर सिंह, गाँव संगोई, जिला करनाल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ? ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ? ਇਹਨੂੰ ਮਲਚਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਓ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ। ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਬਈ ਇਸਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਕੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜੇ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਬੂ ਜੀ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੇ ਵਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਜੀ? ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੀਏ, ਜਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਸਮਝ ਮੇਂ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। पिछले 4-5 साल से जो ये मुहिम चली हुई कि जलाई नहीं कमाए, उस तरफ किसान अब की बार जा रहा है। अब की बार ज़िले में जैसे मैंने बताया कि 25 बेलर मशीन आई हुई हैं जिनका काम है कि पराली को इकट्ठा करके उसकी गांठें बनाना, और जब गांठें बन जाती हैं तो आगे फर्दर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं, या कई ऐसी गौशालाएँ भी हैं जहाँ पर ये स्टब्बल जो है, खेतों का स्टब्बल उनके पास जाता है और किसान की कमाई होती है। और आग लगाने से जहाँ उसकी उपजाऊ शक्ति ख़त्म होती है, पोल्यूशन फैलता है, तो बहुत सारी इन चीज़ों से किसान जो है बहुत जागरूक हुआ है। और हमारे ज़िले के अंदर 5500 अभी तक हमारे पास डाटा ऐसा है कि 5500 एकड़ में किसानों ने इस पराली को इकट्ठा करके गांठें बनवाई हैं, और वो गांठें राजस्थान, पंजाब और दूसरे ऐसे प्रांतों में जा रही हैं जहाँ इसका उपयोग होता है। सर, कमाने के साथ साथ किसान कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का स्वास्थ्य भी बचा सकता है, इसके बारे में? देखिए, आग लगाने से सबसे पहले अगर जो कोई प्रभावित होता है तो जिस गांव में आग लगती है उस गांव का आमजन और वो किसान खुद प्रभावित होता है। बाद में शहर वाले या दूसरे राज्य वाले या दिल्ली वाले लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन जो होगा, धुआं जो उठेगा, सबसे पहले उस गाँव में उठेगा। उस गाँव में जो बुजुर्ग लोग हैं, पशु हैं, छोटे बच्चे हैं या दूसरे जो आमजन वहाँ से जाते हैं, वो सब इस बात से परेशान होते हैं। तो सबसे पहले किसान ये मान के चले कि जब भी वो इस तरह की कोई घटना, आग की घटना करता है, तो उससे सबसे पहले नुकसान उसी गांव में, उसी खेत में, उसमें होना स्वाभाविक है। सर, किस तरह से उपलब्ध करवाता है विभाग किसानों को? करनाल के अंदर एक छोटे समूह जिसको हम कस्टमर हायरिंग सेंटर्स बोलते हैं, किसानों का समूह जिसमें 8 से लेकर 20 फार्मर तक हैं, ऐसे 251 समूह बने हुए हैं जिनके पास इस तरह की सभी मशीनें हैं जो इन फसल अवशेषों को खेत के अंदर भी मिला सकते हैं और खेत के अंदर बाहर भी निकाल सकते हैं। उन सभी के पास मशीनें उपलब्ध हैं, उनके रेट फिक्स कर दिए गए हैं। तो जिन किसान भाइयों ने जीरी लगा रखी है, जीरी कट चुकी है और फसल प्रबंध करना चाहते हैं, वो उन किसानों से संपर्क करके और अपनी उन मशीनों के माध्यम से उसका निपटान कर सकते हैं। मैं आपको पहले बताया कि पिछले 5-6 साल से महकमे की, कृषि विभाग की और दूसरे विभागों की बहुत बड़ी मुहिम चल रही है कि इतनी मशीनें दी जा रही हैं, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो किसानों को बताई जा रही है, इसके दुष्परिणाम जो वो बताई जा रही हैं, जो वॉल राइटिंग है वो करवाई जा रही है, जो अच्छे अच्छे से मंडी हैं, बस स्टैंड हैं जहाँ किसानों का, आम आदमी का जमावड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर ऐसे साइन बोर्ड्स लगा करके, ऐसे संदेश दे करके संदेश दिया जा रहा है। और प्रत्येक गाँव में हमने ऐसे गाँव भी आइडेंटिफाई किए हैं जिन गाँव में ज़्यादा आग लगती है, उन गाँव में कैंप भी लगाए जा रहे हैं, उसको ज्यादा जागरूक किया जाए और इसके क्या दुष्परिणाम है उनके बारे में बताया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.